Hi friends, welcome back. The Sabarmati Report movie. Godhra Kand ka Anjana Sach. अच्छा ये आने वाली है ना साबरमती रिपोर्ट मूवी. हमें एग्जैक्टली पता नहीं है इसके अंदर एग्जैक्टली क्या बोलने वाले हैं. किसके अंदर? इस वीडियो के कि मूवी के अंदर? मूवी के अंदर. पर हम देखने जाएंगे. We don't know what movie is going to say. I hope कि सच्चाई हो. That's my thought. क्योंकि एक तो वो सुन लिया, वो जो विक्रांत मेसी है उसकी पीछे की पता चली जो पड़ा, उससे भी हमें हो गया डाउट. और साथ में आप लोगों के थ्रू पता चला कि ही इज अ क्रिश्चियन. एंड विक्रांत नाम क्यों है? आई डोंट नो. मेसी पता नहीं, मुझे नहीं पता. और उसका कोई भाई का भी आप कुछ बोल रहे थे कि ही इज अ मुस्लिम और समथिंग कुछ पर कमेंट में था. वो मुझे बात क्लियर नहीं हुई कि भाई कैसे मुस्लिम हो सकता है, ये कैसे क्रिश्चियन है. वो मैं कंफ्यूज हो गई थी. पर मुझे, मैंने उसमें इतना फोकस नहीं किया. मेन फोकस था कि भैया क्रिश्चियन होके तुम अगर हिंदुज्म के बारे में बोल रहे हो तो दैट इज नॉट करेक्ट. It's not your religion. Do not criticize other religions. You can criticize your own religion, but you cannot criticize other people's religion because you are not one of them and you do not know anything about it. तो चलो यार पहले इसमें देखते हैं. अच्छा, और दूसरी वो कौन सी आज मैं कह रही थी, दूसरी भी देखेंगे अगर वो हिंदी में होगी. कंगुआ थी वो शायद, कंगुआ क्या नाम था उसका. वो तो हमारे यहाँ नहीं आ रही. वो तो सिर्फ तमिल के अंदर आ रही है या तेलुगु के अंदर. मोस्टली आई थिंक तमिल में आ रही है, हिंदी में कहीं भी नहीं आ रही है. तो एनीवे, अगर आप ये साबरमती रिपोर्ट हमसे पहले देख लो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो जो लेटेस्ट होगा उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना. सही बात बताइए कि गलत. हाँ, ताकि जब हम देख रहे हैं टिकट तो हमने गलत बात होगी सह नहीं कर पाएंगे. हाँ, एडवांस बुकिंग तो हमने कर ही दी है, फिर आके जो है अपना जो है गुस्सा निकालेंगे. अगर मिनट पहले रोक सकते हैं मगर ज्यादा नहीं कर सकते. चलेगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा. तो इसलिए आप जल्दी से बता देना. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों ये बात है 27 फरवरी 2002 की. अयोध्या से कार सेवा करके हिंदू भक्तों की भीड़ वापस अहमदाबाद लौट रही थी. तभी गोधरा के नजदीक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में आग लगा दी गई. इस अग्निकांड में 59 लोग मारे गए. मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी थे. मरने वालों में एक बच्चा 2.5 साल का भी था. इस अग्निकांड की जांच करने के लिए बाद में नानावटी कमीशन बना. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी. गोधरा के नजदीक गाड़ी की चेन खींच कर उसे रोका गया, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने गाड़ी पर हमला किया. इस हमले की प्लानिंग भी पहले से बनाई गई थी. नतीजा ये हुआ कि 59 कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में जिंदा जला दिए गए. हैरानी है कि जब भी 2002 के गुजरात दंगों की बात होती है तो इस बात का जिक्र तो हर कोई करता है कि कैसे गुजरात दंगों में एक खास वर्ग को निशाना बनाया गया, मगर ये बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता कि गुजरात के उन दंगों की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी. गुजरात दंगों के नाम पर 20 साल से अपनी रोटियां सेक रहे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस कभी गोधरा कांड में जिहादियों की भीड़ के हाथों मारे गए कारसेवकों की बात करेंगे ही नहीं. उल्टे लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उनके रहते उस वक्त बैनर्जी आयोग बनाया गया. उस बैनर्जी आयोग ने 2005 में दी अपनी रिपोर्ट में साबित करने की कोशिश करी कि साबरमती एक्सप्रेस में किसी ने बाहर से आग नहीं लगाई थी बल्कि वो तो एक एक्सीडेंट था. ये बात अलग है कि कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और नानावटी आयोग की फाइनल रिपोर्ट के बेस पर ही गोधरा कांड के गुनहगारों को सजा दी गई. मगर हैरानी ये है कि लेफ्ट लिबरल्स की पूरी बेशरम जमात आज भी गोधरा कांड को साजिश मानने के लिए तैयार नहीं है. अब इसी मुद्दे पर तो साबरमती रिपोर्ट के नाम से एक मूवी आई है. मूवी में विक्रांत मेसी लीड रोल कर रहे हैं. मूवी के रिलीज से पहले विक्रांत ने एक आध पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे लेफ्ट लिबरल्स के पिछवाड़े ज्वालामुखी बने हुए हैं, लगातार भभक भभक कर जल रहे हैं. विक्रांत से पॉडकास्ट में पूछा गया कि आप तो एक वक्त बीजेपी के एंटी हुआ करते थे, अब आपकी सोच कैसे बदल गई? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी सोच अब बदल गई है. मैंने 10 सालों में जो भारत देखा है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव होता है. उससे पहले देखा था आधे लिबरल्स की जलकर स्वाहा हो गई. और इससे पहले कि वो विक्रांत के इस हमले से उभर पाते, उन्होंने ये भी बोल दिया कि 1947 में तो भारत को सो कॉल्ड आजादी मिली थी. हिंदू तो सही मायने में अभी कुछ साल पहले ही आजाद हुआ है. हिंदू पिछले कुछ सालों में अपनी धार्मिक पहचान को दिखा पा रहा है, वरना उससे पहले नहीं दिखा पा रहा था. इतना सुनते ही बचे खुचे लिब्रांडुओं ने भी अपनी सलवार के नाड़े का फंदा बनाकर उससे लटक कर अपनी जान दे दी. जो लिब्रांडो कल तक एंटी बीजेपी होने के लिए विक्रांत मेसी को अपनी गोद में खिलाया करते थे, वो आज पेचकस मारकर अपनी उन आंखों को फोड़ डाल रहे हैं जिन आंखों से उन्होंने कुछ महीने पहले 12th फेल देखी थी.
ये लिब्रांडो अपने उस टीवी को आज चप्पल से पीट रहे हैं जिस टीवी पे इन लोगों ने कुछ साल पहले विक्रांत मेसी का बालिका वधू देखा था। जो वामी गैंग कल तक बीजेपी को गाली देने के लिए विक्रांत मेसी की आरती उतार रहा था, उनके हगे को हलवा समझकर अपना मुंह मीठा करता था, आज वही गैंग उनकी बेवफाई पर ऐसे चूड़ियां तोड़ रहा है जैसे कोई बच्चलन लौंडा शादी से एक रात पहले अपनी पोछे वाली के साथ भाग गया हो और पीछे से उसकी मंगेतर ने पोछे की बाल्टी का पानी पीकर अपनी जान देने की कोशिश की हो। क्या बात है। विक्रांत बार बार ये बोल रहे हैं कि पहले मैं कुछ और सोचता था मगर आज मेरी सोच बदल गई है। मगर इन जहरीले चिंटुओं को लगता है कि हिंदुओं को गाली देने वाला कोई शख्स अपनी सोच कैसे बदल सकता है, उसे तो अपनी नफरत में उतना ही ढीठ हो जाना चाहिए जितने वो हैं। मगर हमारे आज के वीडियो का मकसद विक्रांत मेसी की बात पर इन वामियों की कमल को, उन्हें तो पहले ही हम मार मार कर इतना सुझा चुके हैं कि उनके कूल्हे और मुंह दोनों सूझकर एक जैसे हो चुके हैं। आज के वीडियो का मकसद है विक्रांत मेसी की उन बातों का फैक्ट चेक करना जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में की, अपने उसमें की। विक्रांत ने क्या बोला कि मैंने देश घूमकर देखा है कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि देश के हिंदुओं को तो असली आजादी अब जाकर मिली है। ये दोनों बातें कितनी सच्ची हैं, अगले कुछ ही देर में इसके एक एक पहलू की हम लोग पड़ताल करेंगे। वीडियो ध्यान से देखना, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। यकीन मानिए दोस्तों, जब हकीकत आपके सामने आएगी तो आपके सोच के परखच्चे उड़ जाएंगे। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पिछले 10 सालों में अगर किसी एक कौम को धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा परेशान किया गया है, मारा गया है, वो हिंदू कौन है और कौन उन पर ही जुल्म कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके लेफ्ट गैंग ने खास जमात के उत्पीड़न का ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रखा है जैसे हर दिन उनके साथ हर गली चौराहे पर जुल्म हो रहा है। मगर इससे पहले कि हम इससे जुड़े एक एक पहलू की पड़ताल करें, उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको एक ऐसी चीज बता दूं जो आपकी खुशी के रास्ते खोल सकती है, क्योंकि पैसा सबको कमाना होता है लेकिन कैसे स्मार्टली कमाना है उसकी जानकारी बहुत, 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी अब करना होता है जिससे आपको ट्रेड इंडिकेटर और ड्रॉइंग टूल्स कॉल बैक जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके पर जाएं। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, इसमें जो भी फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से नोट करिएगा और ये वीडियो हर उस आदमी से शेयर करिएगा जो दिन रात इस बात का झूठ फैलाता है कि इस देश में एक खास कौम के साथ जुल्म हो रहा है। विक्रांत जुल्म हो रहा तो पाकिस्तान है तो बना, क्या बोल दिया जिस पर इतना हल्ला हो रहा है बॉस। यही कहा ना कि इन 10 सालों में मैंने जितना भी देश घूमा है मैं दावे से कह सकता हूं कि मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है। जैसे विक्रांत ने स्टेटमेंट दिया एक खास सेक्शन ये गिनाने लग गया कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों के साथ कितने जुल्म हुए हैं। वो आपको अखलाक की बात बताएंगे, पहलू खान की बात बताएंगे, लेकिन वो आपको कभी ये क्यों नहीं बताएंगे कि भैया 2017 से लेकर आज तक हिंदुओं पर उनके धर्म की वजह से 210 से ज्यादा हमले हुए हैं। जी हां, 210 हमले। मैं कहता हूं कि अगर एक भी मुसलमान के खिलाफ उनके मजहब की वजह से कोई ज्यादती हुई है तो वो गलत है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ एक पक्ष के लोगों के साथ हुए कुछ मामलों को आगे रखकर पूरी की पूरी हिंदू कौम को ही बदनाम करो बॉस, कैसे हो सकता है। ये लोग अखलाक और पहलू खान की बात तो करते हैं मगर इनमें से कितनों के मुंह से आपने भानु, खीताराम भील, सावंत राठौड़, विधु जैन के नाम आपने सुने होंगे? आपने बिल्कुल नहीं सुने होंगे ये नाम। इनसे पूछिए कि भारत यादव का आखिर क्या कसूर था कि उसे काफिर बोलकर उसकी लिंचिंग की गई। इनसे पूछिए वो कौन लोग थे जिन्होंने रांची में बस को रोककर उसमें बैठे लोगों को उनके धर्म के नाम पर पहले अलग किया फिर उसके बाद बस को आग लगाने की कोशिश करी। इनसे पूछिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने माधवपुर में एक खास जमात के धार्मिक स्थल के आगे म्यूजिक चलाने पर दलितों की बारात पर ही हमला कर दिया था। इनसे पूछिए वो कौन लोग थे जिन्होंने राजस्थान के टोंक में गुजरों की शादी पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया था। इसी तरह का एक हमला बाराबंकी में भी हुआ था वहां की हिंदू बारात पर। हर बार शिकायत यही होती है कि हमारे धार्मिक स्थल के आगे से गुजरते वक्त इन्होंने गाने क्यों बजाए। मतलब आप सुबह शाम लाउडस्पीकर बजा सकते हो लेकिन आपके धार्मिक स्थल के आगे से अपनी बारात भी अगर कोई ले जाए तो आपकी भावनाएं हाथ हो जाती है। ये कैसा सेक्युलरिज्म है ब्रो। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने गंगाराम का नाम सुना है? हेलो, जिसे एक खास कौम के लोगों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ हुए अपहरण की शिकायत पुलिस में कर दी थी। एक दलित लड़की सरिता से खास वर्ग के लोगों ने छेड़खानी करी। दलितों ने जब इसकी शिकायत की तो बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू को ही तोड़ दिया गया। दलित जयंत भाटी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने पठानी सूट पहन लिया था। कम ऑन दोस्तों, ऐसे एक नहीं सैकड़ों किस्से आपको मिलेंगे। ऐसी कोई हिंदू धार्मिक यात्रा नहीं है जिस पर पत्थरबाजी न होती हो। रामनवमी का जुलूस एक खास जगह से निकले तो उस पर पत्थरबाजी, हनुमान जयंती के मौके पर पत्थरबाजी, दुर्गा पूजा के मौके पर पत्थरबाजी, और तो और अब तो गरबा के टाइम भी पत्थरबाजी होने लगी है। इसी साल हुई एक एक ऐसी पत्थरबाजी को अगर मैं यहां पर गिनाने लगूं तो मुझे वीडियो नहीं नेटफ्लिक्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ जाएगी, वो भी 20 सीजन की जिसके हर सीजन में 20 एपिसोड होंगे। हेलो, इसके अलावा हर दूसरे दिन अखबार में आने वाले लव जिहाद के मामले, उसके बारे में तो क्या ही कहूं। मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात पर भी यकीन मत करो, एक काम करो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और गूगल पर जाकर लिखो रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी लव जिहाद, फिर देखो आप सर्च रिजल्ट में आपको कितने लिंक मिलते हैं। अब आप बताइए कौन इस देश में असली पीड़ित है?
मगर एक सेक्शन की बेशर्मी देखिए, वो दिन रात इसी प्रोपेगेंडा में लगा रहता है कि मौजूदा सरकार के राज में हिंदू हर किसी पर जुल्म कर रहा है, जबकि आंकड़े जो मैंने गिनाए वो प्रूफ करते हैं कि अभी भी पिछले 7-8 सालों में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा जुल्म हिंदुओं पर ही हुए हैं। मगर इन सब के बावजूद कहना मैं यही चाहूंगा कि अगर 140 करोड़ के देश में ऐसी 20-50 घटनाएं भी होती हैं, तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि इस देश के हर हिंदू पर हमले हो रहे हैं, और न ही इन हमलों के लिए पूरी की पूरी एक कौम जिम्मेदार है। लेकिन मेरे भाई, ये सेम आर्ग्यूमेंट तो दूसरी तरफ भी लागू होता है कि नहीं होता है? इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा मुसलमान है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 करोड़ के आसपास। ये करोड़ों लोग देश भर में सुबह से शाम तक अपने काम धंधे पर जाते हैं, घर लौटते हैं, घूमने जाते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसे में अगर साल में 10-20 लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा गलत होता है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इस माइनॉरिटी का हर आदमी खतरे में है? मैं फिर से दोहरा दूं, होनी तो ऐसी एक भी घटना नहीं चाहिए। मेरे लिए बहुत अच्छा जवाब है, जिनको लगता है खतरा है। होने वाली वायलेंस कोई भी हो, उसको लेकर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर इतने बड़े देश में ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो उसे इस तरह तो पेश मत करो ना कि देश के हर गली नुक्कड़ पर बस यही सब हो रहा है। अब अगर आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए एक नैरेटिव बनाओगे, तो फिर हम जैसों को भी कुछ फैक्ट्स बताकर ये बताना पड़ेगा ना कि ये नैरेटिव झूठा है, फेक है। अगर आप 5-10 मामलों को आगे रखकर एक ट्रेंड बताने की कोशिश करोगे, तो हम भी 50 मामले रखकर सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? इस तरह ये बहस चलती रहेगी बॉस, इसका कोई एंड नहीं है। असली चीज ये है कि किसी के साथ भी धर्म के नाम पर अगर कैसी भी हिंसा होती है, तो उस मामले की पड़ताल की जाए, जांच की जाए, जो भी ऐसा करे उसे सख्त सजा दी जाए, और अगर ऐसे किसी केस में सजा नहीं हुई है तो वो भी सरासर गलत है, फिर चाहे उस स्टेट में किसी की भी सरकार क्यों ना। लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें वायलेंस से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उन्हें किसी की जान जाने की परवाह है। वो बस ये देखते हैं कि धर्म के नाम पर होने वाली कौन सी हिंसा उनकी पॉलिटिक्स को सूट करती है, और यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। अगर विक्रांत मेसी ने कहा कि मैंने 10 साल में जो देखा उसके बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एजेंडाबाजों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाहते हैं कि अगर ऐसी साल में 2 घटनाएं भी हुई हो, तो दिन रात उसी पर बात हो, इस पर बात करके एक पक्ष के मन में नफरत भरी जाए, उस पर पॉलिटिक्स की जाए और हिंदू कौम को बदनाम किया जाए। याद है ना आपको कठुआ में जब एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम हुआ था, तो पूरे देश में कैसा माहौल बनाया गया? बच्ची के साथ घिनौना काम हुआ, इससे बुरा इस देश के लिए और क्या हो सकता है? जाहिर तौर पर ऐसा करने वाले को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक क्राइम किया था। मगर उस केस में आरोपी को हिंदू बताकर पूरे हिंदू धर्म को निशाने पर लिया गया, हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक पोस्टर बनाकर उसे पूरे सोशल मीडिया पर फैलाया गया, और एक तरह से पूरी हिंदू कौम को ही रेपिस्ट बताने की कोशिश की गई। और हुआ ये कि सारे प्रोपेगेंडा के बीच बच्ची के लिए इंसाफ की जो लड़ाई थी वो पीछे छूट गई, और मामला हिंदुओं को बदनाम करने की एक मुहिम बन गया बस। आज अगर विक्रांत ने कह दिया है कि उन्हें देश का माहौल नॉर्मल लग रहा है, तो एक पक्ष इतनी हायतौबा क्यों मचा रहा है? अरे भाई, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनकी सोच है विक्रांत मेसी की। जब आमिर खान ने कुछ साल पहले कहा था कि उनकी बीवी को इस देश में डर लगता है, तब कितने लोगों ने पूछा कि आमिर सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो देश के सबसे बड़े स्टार हैं, अभी तो उन्हें डर लगता है, उसको छोड़ के डिवोर्स कर दिया। इस बिल को समझे बिना जब स्वरा भास्कर से लेकर अली फजल, फरहान अख्तर जैसे कितनी सेलिब्रिटीज ने भी बोला था, ये वाले ने, उनसे किसी ने पूछा कि भैया तुम्हें इस बिल के किस पॉइंट पर सीरियल में था, तब क्या उनसे ये सवाल किया गया कि आपको ये किसने बोल दिया कि ये बिल भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? इस बिल का तो भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। इसी तरह अनुभव सिन्हा से लेकर अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी भी लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते रहते हैं। क्यों करते पता ही है, डेमोक्रेटिक देश में ऐसा करने का उन्हें पूरा हक है, वो जो चाहे महसूस करें और उसे कहें। इसी तरह का विक्रांत मेसी को भी है, अनुपम खेर को भी है, कंगना रनौत को भी है। मगर सच ये है ना कि जो लोग देश में इनटॉलरेंस बढ़ने का रोना रोते हैं, वो खुद इतने इनटॉलरेंट है कि ऐसा एक भी विचार या बात वो नहीं सुन सकते जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच न करती हो। सारी प्रॉब्लम यही है। इसलिए जब से विक्रांत मेसी ने कहा है कि उन्हें देश के माहौल में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, तब से ये लोग ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे गीली उंगली इनकी बिजली की नंगी तार पर। उनको तो तकलीफ होनी है। अरे भाई साहब चिल करो, सालों तक आप लोगों ने भी फिल्मों के जरिए खुद प्रोपेगेंडा फैलाया। हिंदी फिल्मों में हर बलात्कारी गुंडे मवाली को तिलक लगाकर हिंदुओं को बदनाम किया। चक दे इंडिया में जहां नेगी थे, तुमने फिल्म में हीरो कबीर खान बना दिया, क्योंकि वहां तुम्हें माइनॉरिटी के आदमी को हीरो बनाना था। कोई बात नहीं, ऐसे एक नहीं बीसियों में शाहरुख खान भी इन्वॉल्व है। अगर कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और साबरमती रिपोर्ट जैसी सच्ची घटनाओं पर फिल्में बन रही हैं, तो इतना फुदकना सही नहीं है, शांत हो जाओ। तो साबरमती रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, वो तो बस ये याद दिला रही है कि गुजरात के अफसोसजनक दंगों से पहले एक गोधरा कांड भी हुआ था। वो गोधरा कांड जिसमें 59 कार सेवकों को जिहादियों की भीड़ ने जिंदा जला दिया था, वो एक ऐसा सच बता रही है जिस पर तुम बात करना ही नहीं चाहते। मगर फिल्म आ रही है तो बात तो होगी ब्रो।
इसलिए इस मुद्दे पर बात को होने दो। हम भी बात करेंगे और जल्दी आपको डिटेल में ये बताएंगे दोस्तों कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगी कैसे थी, किसने उस हमले की प्लानिंग की थी, किसने उन कार सेवकों को मारा था, इस पर एक डिटेल वीडियो हम लाने वाले हैं, उसे भी देखना मत भूलिएगा। बाकी आज की वीडियो में कई बातें अगर आपको सच्ची लगी हो, ठीक लगी हो और आप चाहते हैं कि ये बात और भी लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोग भी ये सच जान पाए। भैया शेयर करना जरूर, हमको भी है कि हम देखें, पर प्रोवाइडेड ये मूवी जो है सच पे आधारित हो। देखिए दूसरी बात ये है, जितने भी YouTube में वीडियोस आते हैं ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं देता। सोल्यूशन जितने भी वीडियोस हैं उसमें बस ये है कि ये हो गया जी, वो हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वो कर दिया, हमें करना चाहिए था, बट सोल्यूशन कोई नोबडी इज ट्राइंग टू से। सोल्यूशन देने में जबकि दिमाग लगाना चाहिए सोल्यूशन में। ठीक है आपने प्रॉब्लम बताई मगर प्रॉब्लम के बाद टेल द सोल्यूशन ऑल्सो फॉर व्हाट यू थिंक करना चाहिए। हाँ अब सोल्यूशन जो है मेरे हिसाब से जो कह रहे हैं सो कॉल्ड लोगों को तकलीफ हो रही है और कहते हैं इनटॉलरेंस है भैया देश में रहने में उनको डर लगता है, या वो कहते हैं कि एक फलानी कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी की उसको बड़ा टारगेट किया जा रहा है, भैया पार्टीशन हुआ था, मैं तो अब एक टुक बोलूंगी हाई टाइम नाउ, और हर एक को ये बोलना चाहिए कि पार्टीशन हुआ था, एक कंट्री बनी है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, इफ यू आर अनसेफ इंडिया के अंदर तो वो कंट्री है, आप लोग जा सकते हो उस कंट्री में, और जो इस कंट्री में रहना चाहता है मिलजुल के रहने को तैयार है, सबके साथ मिलजुल के रहे, बाकी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे और इसको अपना देश माने और धर्म से पहले अपने देश को माने, उसके लिए ही बस ये जगह है, बाकियों के लिए नहीं है। आप पाकिस्तान जैसा देश है वहां जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, और अगर आपको टिकट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट को बोल के या लोगों को, लोग जो हैं जो असली देशभक्त हैं वो पैसा जो है इकट्ठा करके तुम्हारी टिकट भी बुक करा देंगे। और रही बात ये विक्रांत मेसी की, वो तो अब पहले क्वेश्चन ये होगा कि मूवी में कितना ट्रुथ है, कितना उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उनका माइंड जो चेंज हुआ है मूवी से पहले, मैं सच बताऊं मुझे तो थोड़ा डाउट क्रिएट होता है। अच्छी बात बोल रहे हैं पर क्वेश्चन ये है कि इस सिचुएशन में ही क्यों बोल रहे हैं, या हो सकता है उनके साथ लाइफ में उनको दिखा होगा कि मैं जिन लोगों का सपोर्ट कर रहा हूं उनकी मिंटा उनका उन उनका पपेट बन के उन्हीं की बात बोल रहा हूं और एंटी बीजेपी हो रहा हूं और बोल मुझे लग मैं दिखा रहा हूं कि हाँ मैं पहले जैसे था कि भैया मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, उससे मुझे कुछ प्रोफेशनली जो है फायदा नहीं हो रहा, पर अगर मैं अब ऐसी एक मूवी कर रहा हूँ जो साबरमती रिपोर्ट है और वो कौन देखेगा, हिट तभी होगी ना कि कोई कि हिंदू जाके देखेंगे तभी हिट होगी, तो इसलिए वो बोल रहा है, तो वो एक और एंगल है। तो पब्लिक को बहुत स्मार्टली अपने आप को सोचना चाहिए कि हर की बात में मत आएं, पर देखें ये किस टाइम पे बोला, क्यों बोला होगा, वो सब देख के फिर जाकर मूवी देखें और देखें। मेन है कि मूवी में कितने फैक्ट्स हैं, कितना ट्रुथ बता रहे हैं, अगर है तो हाँ यकीन कर सकते हैं, पर अगर एक सब एक चाल है जस्ट टू गेट की पब्लिक जो है वो जाके मूवी देख ले, तो भाई टोटली रॉन्ग। तो आप भी शेयर करना और डेफिनेटली हमें ज़रूर बताना साबरमती मूवी जो आ रही है उसमें आपको कितना ट्रुथ है, जाके देखने लायक है कि नहीं है, कि वहाँ पे भी एक प्रोपोगंडा चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।